नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फर्स्ट 21 में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ शासन हर जिले के हर ब्लॉक में आत्मानंद स्कूल खोलकर जितनी प्रशंसा बटोर रही है उतना पहले की सरकारों ने नहीं बटोरा, लेकिन वहीं पर ग्रामीण इलाकों में स्थित सरकारी स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था ही ठीक नहीं है। शौचालय के अभाव में केवल शिक्षा ही प्रभावित नहीं होती बल्कि शिक्षा के साथ स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। उसमें बच्चों में संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसका जीता जागता उदाहरण कवर्धा विकास खंड के सोनपुरी शासकीय प्राथमिक शाला का, जहां स्कूली बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था ही नहीं है। जी हां, यहां लगभग साल भर से शौचालय का काम रुका हुआ है। बच्चे शौच के लिए खुले में जाते हैं, शिक्षकों से बात करने पर यह भी पता चला कि शिक्षकों का भी यही हाल है। न्यूज प्लस 21 की टीम ने स्कूल के प्राचार्य से बातचीत की। बातचीत के दौरान खुलासा हुआ कि गांव के सरपंच को रूर्बन योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण का कार्य दिया गया है। प्रचार की शिकायत करने के बाद शौचालय निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था, लेकिन अभी तक यह कार्य अधूरा ही है। सरपंच का कहना है कि उन्होंने विभाग द्वारा कोई भी राशि आवंटित नहीं की गई है, ऐसे में काम कैसे करवाए। इनके आरोप प्रत्यारोप के बीच में फंसे हुए हैं मासूम बच्चे। क्या एक विद्यालय को सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रचार्य गाँव की सरपंच की होती है, या इससे शासन प्रशासन शिक्षा विभाग को भी ध्यान देना चाहिए। देखिए डॉक्टर मिर्जा के साथ स्वाति चंद्रवंशी की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, हम अभी उपस्थित हुए हैं कवर्धा शहर से करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम सोनपुरी के शासकीय प्राथमिक शाला में, जहां विद्यालय में शौचालय ना होने का मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक यहां विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ साथ स्कूल के शिक्षक भी खुले में शौच के लिए जाते हैं। आइए जानते हैं मामले की पूरी जानकारी। हाँ जी, और विद्यालय में यहाँ पे शौचालय की कोई सुविधा नहीं है? नहीं जी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किन किन तरह की समस्याएं होती है शौचालय ना होने पे? शौचालय ना होने पे हम लोग को भी परेशानी होती है मैडम लोगों को बाहर जाने में, और लड़कियां हैं यहाँ, लड़कियों को भी परेशानी होती है। तो आप लोग कहाँ जाते हैं फिर? अब यही आंगनबाड़ी है, वहीं चले जाते हैं। आंगनबाड़ी में सुविधा है। बच्चे कहाँ जाते हैं फिर? अब बच्चे भी वहीं जाते हैं, बाहर भी चले जाते हैं बच्चे। सर, आपके विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं, इसके जिम्मेदार कौन? अब सरपंची तो अब इनके जिम्मेदार हैं मैडम, क्योंकि वो उर्वरण के तहत ना ये पूरा बनवाने वाले थे। हाँ, क्या इसकी शिकायत की जाती? अब शिकायत तो मैं तो नहीं किया हूँ, क्योंकि अब बार बार बोल रहे हैं ना कि नहीं अब शुरू करता हूँ सर, शुरू करता हूँ ऐसा करके, तो शिकायत नहीं किया हूँ मैं। कितने वर्ष हो गए विद्यालय को खुले? अब ये लगभग 50 साल से ऊपर हो गए होंगे, बहुत पुराना है जी। इतने वर्ष हो गए इस विद्यालय को खुले, लेकिन यहाँ पे अभी भी शौचालय की व्यवस्था नहीं, नहीं है? नहीं, पहले था मैडम, जब ये किया ना तो इसको अब वो नया के नाम से तोड़े गए हैं। कितने समय से पेंडिंग पड़ा है ये काम? ये अभी अब गर्मी के समय से पेंडिंग पड़ा है। तो बच्चों लोगों को शौच जाना रहता होगा, आपको जब शिक्षकों को जाना रहता होगा, तो कहाँ जाते? अब कहाँ जाएंगे मैडम, यहाँ तो कोई जगह तो है ही नहीं है। अब इधर उधर अब दिन भर यहाँ हैं, तो अब समय निकाल रहे हैं हम लोग भी। अभी बच्चों से बात किए तो बता रहे थे कि हम लोग जाते ही नहीं, ऐसे में तो कई प्रकार की बीमारियाँ भी उत्पन्न होती है। सही बात है जी। हाँ, प्रचार्य होने के नाते सबसे पहले आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, इसकी शिकायत करिए, विभाग को करिए, DO ऑफिस में करिए। ठीक है ना मैडम, अब करेंगे उसको, लेकिन वही बताया ना, वो सरपंची बोल देता है ना, मैं बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करा रहा हूँ करके, तो अब किसी के पास गए नहीं है। नहीं तो भाई वो तो अभी अब बच्चे तो इधर उधर तो घूम ही जाते हैं, लेकिन वो हम लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी होते हैं। हाँ, कितने शिक्षक होंगे यहाँ? 5 जने हैं। महिला पुरुष? 3 महिला 2 पुरुष। तो जो महिला शिक्षक है उनको भी बहुत परेशानियाँ होती होंगी? परेशानी होती है ना मैडम, तो यही है आंगनबाड़ी एक और ये 2 ठो हैं, तो जैसे आए रहते हैं ना तो उसी खुलवा के वहीं जाके। जी जी जी। कहाँ जाते हो? बाहर। स्कूल में क्यों नहीं जाते? स्कूल में नहीं बने हैं। कितने टाइम से नहीं बने हैं? बहुत दिन से। अच्छा, कौन से क्लास में हो? पंचम। शासकीय प्राथमिक शाला सोनपुरी विकास खंड कवर्धा में
140 बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ पर हमारे 5 टीचर कार्यरत हैं। वहाँ पर रूर्बन मिशन के तहत में वहाँ पर उसको प्रोग्रेस करने के लिए उसके निर्माण एजेंसी सचिव को सरपंच को बनाया गया है, ठीक है। और मैं एक बार सीओ जनपद पंचायत के साथ में दौरा भी किया था, वहाँ हम लोग उनको बुला कर के बोले थे कि इस काम को जल्दी से जल्दी इसको पूर्ण करें, जिसमें हमारा 2 वहाँ पर टॉयलेट का निर्माण करने का था, अभी उसके प्रोग्रेस में चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी मॉनिटरिंग सीओ जनपद पंचायत कर रहे हैं और निर्माण एजेंसी सरपंच को दिया गया है। विद्यालय के प्राचार्य का कहना है कि शौचालय भवन निर्माण का कार्य सरपंच के तहत आता है और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी सरपंच इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब आखिर सवाल यह है कि शिक्षा विभाग इन गतिविधियों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्या यह बच्चे ऐसे ही बाहर खुले में जाते रहेंगे और कई तरह की बीमारियों का को आमंत्रण देंगे, या फिर विद्यालय में स्वच्छता व्यवस्था सही होगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे, कैमरामैन शुभम के साथ स्वाति चंद्रवंशी, News+21 कवर्ड। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए News+21, आपके हक की बात।